ठीक है। देखो छोटा सा टॉपिक है, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, वो देखते हैं। क्या होते हैं होमोलिप्टिक? होमो मीन्स सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक सेंट्रल एटम्स सारे सेम लिगेंड से कनेक्टेड हो, है ना, उसे बोलते हैं होमोलिप्टिक। और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो, उसे बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, लेट एडमिशन लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल एटम इज कोऑर्डिनेटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एग्जांपल में लिख सकते हो आप लोग, यही CU वाला ले लेते हैं, NH3 का होल ट्वाइस कर दो, यहाँ पे Cl2 कर दो, या फिर ZnH2O का होल ट्वाइस Cl2Br2 फॉर 2- कर दो, है ना। अलग अलग टाइप ऑफ लिगेंड्स आ जाएंगे तो फिर हेट्रोलिप्टिक हो जाएगा। ठीक है, लिख लो सभी लोग एग्जाम्पल्स लिख के साथ।
देख लिया सबने? कौन है भाई ये पूछा? लिगेंड्स क्या हैं? कल क्लास में आए थे उत्कर्ष महाराज? क्लास में नहीं आओगे तो कैसे पता लगा लिगेंड्स क्या है? लिख लिया मैंने, नया टॉपिक बताऊं बेटा? देखो जो नया टॉपिक है उसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना? ये भी एक टर्म यूज करते हैं हम लोग। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको हम, या फिर इसको हम ईएन भी बोलते हैं, ठीक है? EN क्या होता है ये देखो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स ले लो, आप कोई कॉम्प्लेक्स बताओ मुझे, कौन सा? K4FeCN6 ले लूं? K4FeCN6 ले लेते हैं। तो K4FeCN6 में हम क्या करते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 4K+ बाहर होंगे, अंदर क्या होगा? अंदर Fe होगा, ठीक है? अंदर Fe होगा, Fe के ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पे? Fe के ऊपर चार्ज है 2+, ठीक? और 6 साइनाइड हमें बनाने हैं ना, 1, 2, 3, है ना, 4, 5 और 6, 6 साइनाइड है, इसे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स लगेंगे। इस साइड से स्ट्रक्चर होगा। अब EN क्या होता है? EN होता है कि ये जो हमारा Fe आयन है ना, ये जो हमारा Fe आयन है, इसके पास कितने इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना? EN का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स विद द सेंट्रल एटम, विथ द सेंट्रल एटम. जैसे देखो, जैसे Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, Fe 26 होता है. Fe में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. अच्छा, Fe 2 प्लस बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बने बताओ, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इट विल हैव 24 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. इसका देखते हैं. इसके बाद हमने Fe को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए वाया लिगेंड्स, तो बता सकता है, लिख के भेजो मुझे चैट में. Fe को हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए वाया लिगेंड्स, बताओ बेटा. 12, सही, वेरी गुड. सारे बच्चे सही बता रहे हैं. 6 लिगेंड्स से तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 12. तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे 24 प्लस 6 इंटू 2, क्योंकि हर एक लिगेंड से दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36. ये हमारा EN होता है ना. तो यहाँ पे जो Fe का EN होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा. ठीक. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, EN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस का उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी हो, पॉजिटिव में ही होगी ऑब्वियसली, है ना, प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू टू, प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय टू. इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना. जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो होगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय टू. इस तरीके से हम कर सकते हैं. इतना क्लियर है सभी को? लिख लो बेटा ये, है ना. इसको लिखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एक और कॉम्प्लेक्स लेके, है ना. कितने लोगों को समझ में आ गया, अच्छा चैट पे लिख के भेजो मुझे. जिसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है. अच्छा, EN के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, CET में भी आते हैं, ठीक है, मेंस में भी आते हैं. यहाँ पे जो मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसमें मैंने आयन लिया है, Fe2 प्लस भी लिया है, साथ में लिगेंड्स भी लिया है, गिवन बाय लिगेंड्स. ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया हमारे, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. अच्छा, जो भी लोग क्लास सभा, मान लो बीच में कनेक्शन ब्रेक होता है ना, ये कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब वाले रिकॉर्ड करके, ठीक है. तो आप लोग वो यूट्यूब के वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है. कल शाम को ही मैंने पोस्ट किए थे, मैं आज फिर डाल दूंगा. चलो एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है. कोई कौन सा कॉम्प्लेक्स ले लू, चलो ये K4 एफिशिएंसी का एक भाई है, K3 एफिशिएंसी, ये ले लें, बोलो. इसका नाम होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड. जो ऊपर लिखा था उसका नाम था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है. तो इसमें देखो नीचे, इसमें
ऑक्सीजन स्टेट निकालते पहले आयरन की क्या है ना, पोटेशियम में की हो जाएगी प्लस थ्री, पोटेशियम प्लस वन होता है, आयरन को एक्स मान लेते हैं, प्लस साइनाइड होता है माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा, एक्स कितना जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी हुई प्लस थ्री। अब हमने क्या पढ़ा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस का ऑक्सीजन स्टेट है ना, प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ आयरन का, बोलो मेरे बच्चों आयरन का एटॉमिक नंबर लिख के भेजो। अच्छा मैंने शायद तुम्हें म्यूट कर रखा है ना, अलाउ कर दिया मैंने, बट बात ये ना कुछ लोग अनम्यूट करके ना पूरे फैमिली के लिए सब गाथा सुनाते हैं मुझे, ठीक है। जब आप बात नहीं कर रहे हो तो फिर उसको म्यूट कर दो कम से कम, है ना। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा इसका, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट 26 होता है Fe का, 26 यस, माइनस ऑक्सीजन स्टेट कितनी यहाँ पे हमने निकाली प्लस थ्री निकाली, ठीक है, साइन के साथ रखनी है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं लिगेंड से, तो 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो सिंपली 2 * 6 कर सकते हैं 6, ठीक है। अब ये मत कहना कि हमें कैसे पता नहीं कैसे 6 बॉन्ड बन रहे हैं, अच्छा जिन्हें नहीं दिख रहा उनके लिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है। Fe 3 प्लस है यहाँ पे और 6 साइनाइड बैठे हुए हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छह साइनाइड बैठे हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है, छह के छह लोग, तो हर एक जितने लिगेंड्स लगे हुए हैं उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सारे लिगेंड्स का यूनिडेंटेड है, अगर बाइडेंटेड होते तो फिर एक लिगेंड दो बॉन्ड बनाता, ठीक है ना, हो जाएगा 26 माइनस 3 इज 23 प्लस 12 कितना हो बेटा 35, ये हमारा EN हो गया। अभी क्लियर है, यस और नो? यस सर। कर्ष महाराज बताएं, कोई डाउट है तो बोल ही नहीं रहे, तो 26 नॉट क्लियर्ड, किसको क्लियर्ड नहीं है, EN का यूज क्या है, ये कौन बच्चा, ये बहुत प्यारा बच्चा जिसने ही पूछा है, EN का यूज ये है कि ऐसे सारे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें EN जो है वो एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, दैट मींस 36 हो या ज़ेनॉन का 54 है, ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन 36 के बराबर है, 54 के बराबर है, तो वो एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ रहा है, मतलब यही दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, आपने K4 एफिशिएंसी 6 देखा और K3 efficiency देखा, EN कितना है 35, ऊपर आया 36, तो 36 is a configuration of inert gas, तो K4 efficiency ज़्यादा stable होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा किसी ने कि यूज क्या है EN का, तो बोल सकते हैं all complexes having EN is equal to inert gas configuration, इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं मैं, है ना, कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर, आर हाईली स्टेबल, दीज आर हाईली स्टेबल, क्लियर है ना सभी को, नोट कर लो बेटा। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अपना K4 efficiency, K4 efficiency is more stable than K3 efficiency, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं सिर्फ यही फैक्टर है, और भी फैक्टर्स होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है।
वैसे 36 एटॉमिक नंबर है किसका? 36 इज नथिंग बट क्रिप्टॉन, है ना, चाहे तो लिख सकते हो, है ना, इसका EN 36 है जो कि क्रिप्टॉन का कॉन्फिगरेशन है, और इसका EN कितना है? 35 है, है ना, जो कि ब्रोमिंग का कॉन्फिगरेशन, जरूरत नहीं लिखने की, है ना, ये ध्यान रखना। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन देखिए तो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ज्यादा स्टेबल होगा। कौन कौन सी इनर्ट गैसेस है बाय द वे? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, है ना, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है। एक और आई है ओजी करके, वो भी लिख सकते हो चाहे तो, है ना, इसका नाम है ओगानेसॉन, ठीक है। दीज आर अवर इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, दिस इज 2, नियॉन इज 10, आर्गन इज 18, दिस इज 36, ज़ेनॉन इज 54, है ना, रेडॉन इज 86 एंड ओजी इज 118, ओगानेसॉन। लिख लिया बेटा सबने, नोट करो इसको। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, है ना, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NaAuCl2, है ना, NaAuCl2 गोल्ड है ये, Au माने आपको Au का EN बताना है, सब लोग सॉल्व करके बताओ, EN इज क्वेश्चन मार्क, इसका जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है वो 79 होता है, ना Au जो होता है वो 79 के बराबर है, सब लोग सॉल्व करो बताओ कितना आ रहा है, और ये भी बताना है ये इनर्ट गैस के बराबर है या नहीं है। कुछ ड्रॉ मत करो उस पे, है ना, व्हाइट बोर्ड पे। एटी टू सही है, वेरी गुड, किसने बताया 82? स्वराज ने, वेरी गुड, और लोग सॉल्व करो भाई, बाकी बच्चे एटी टू सही है बेटा। ये सत्यजीत था ना, साहिल तुरे आंसर नहीं होता है भाई, कहाँ है, आंसर आंसर चाहिए, तुम्हारा नाम नहीं चाहिए साहिल कुमार, नाम लिख के भेज रहा है तुम्हें, तुम लोग सच में पढ़ाई कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो? 82 सही है बेटा। अमेज़न की सारी वेब सीरीज खत्म हो गई होगी ना आज तक तो, क्यों? वैसे अंबानी डेटा तो फ्री दे ही रहा है आजकल, है ना, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। सोडियम प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट में है, गोल्ड का अपन एक्स मान लेते हैं, प्लस 2 इंटू सी एल इज माइनस 1, 0 हो जाएगा, एक्स कितना आएगा यहाँ से, एक्स आ जाएगा प्लस 1, गोल्ड के ऑक्सीजन स्टेट प्लस 1 आ गई, ई एन कितना होगा, ये हो जाएगा 79 माइनस 1 प्लस लिगेंड्स कितने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 78 प्लस 4, ये आ जाएगा 82। इट्स नॉट एन इनर्ट गैस, हमें 86 चाहिए था इनर्ट गैस के लिए, ठीक
काफी बच्चों ने सही निकाला 82 है ना, मन खुश हो गया। अगला वाला देखते हैं अच्छा कौन सही निकालता है। Zn C2O4 का होल ट्वाइस 2-, इसमें जिंक के जिंक का मुझे En बताना है, En ऑफ जिंक, दिस इज क्वेश्चन मार्क, और आपको जिंक एटॉमिक नंबर दे रखा है 30। जिंक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 30। सॉल्व करके बताओ। चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। जिंक का कितना ऑक्सीजन स्टेट कितना है बेटा, देखो जिंक को अगर अपन एक्स मान लें, एक्स प्लस 2 इंटू ऑक्सीलेट पे चार्ज होता है -2, कल बताया था मैंने, ये जीरो हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना। -32 आंसर है, हां चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट +2 हमारा जो En हो जाएगा, that would be 30 माइनस का 2 प्लस, अच्छा ऑक्सीलेट का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेंगे यहाँ पे ये बताओ, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेंगे हम लोग, बताइए। ऑक्सीलेट का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने कल बताया था, टी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, है ना, थ्री डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, है ना। तो हर एक लिगेंड, मतलब हर एक लिगेंड जो है दो बॉन्ड बनाने में क्या है, सक्षम है, या ऐसा कह सकते हैं हर एक लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी है, दो, ना दो बॉन्ड बनाएगा तो टोटल कितने बॉन्ड बनने होंगे, चार। तो यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे वो 4 ले लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 30 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2, कितना आ जाएगा ये 30 माइनस 2 इज 28 एंड 4 टू 8 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हाँ तो जिन्होंने भी डिफरेंट निकाला है वो गलत है, ठीक है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि लिगेंड कैसे, अब यहाँ EDTA लिखा होता है तो क्या 1 ही ले लेते हैं, EDTA में तो डेंटिसिटी 4 या 6 होती है, समझ में आ रही ना बात। अगर मैं यहाँ पे EDTA लेता तो डेंटिसिटी कितनी थी उसमें, 6, अगर आपको याद हो 6 बॉन्ड्स बनाए थे ना, इसी में शायद लिखता हूँ, मिल जाए तो दिखाता हूँ। हमने कल कुछ लिगेंड्स लिखे थे उसमें, आपको एक तो EDTA बताया था, EN बताया था, है ना। ये रहा देखो EDTA में कितनी डेंटिसिटी दिख रही, 6 दिख रही है मुझे, है ना। तो 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे डेंटिसिटी कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है, तो 6 बना सकता है या 4 भी बना सकता है कई बार। इसमें कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, EN में 2 बन सकते हैं। ये रहा हमारा ऑक्सीलेट, है ना, ऑक्सीलेट में 2 बॉन्ड्स बनाए थे, ठीक है। तो इस वाले केस में भी हम क्या लेंगे, उसकी डेंटिसिटी 2 लेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नोट कर लो इसको, ये वाला एग्जांपल नोट करो सर, है ना, यहां से
एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है सी ए ईडी टी ए, सी ए ईडी टी ए ऊपर है टू माइनस, इसमें आपको बताना है कि ई एन फॉर कैल्शियम क्या होगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो EDTA पे चार माइनस चार्ज थे, टेट्राएसीटेट था, ऊपर फोर माइनस चार्ज था, ऑक्सीजन स्टेट आप निकाल लेना अपने आप और मुझे आंसर बताओ, है ना। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, कैल्शियम इज 20। कॉन्डिशन नंबर कितनी लेंगे स्वराज बताए, इसमें कॉन्डिशन नंबर कितनी लेनी चाहिए EDTA में, कॉन्डिशन नंबर आप बेटा 6 ले लो, है ना, मैक्सिमम जो पॉसिबल, कॉन्डिशन नंबर इज इक्वल टू 6। थर्टी आंसर आ रहा है, बाकी लोग क्या बता रहे हैं, 30 सही है वैसे। ये खंडारा के बच्चे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, कौन कौन है इसमें, बेइज्जती करा रहे हैं यार ये लोग। धीरज सो गया क्या तू क्लास में, अनुज सॉल्व करो उसको क्वेश्चन, बताओ कितना आंसर आ रहा है। नेहा बहुत दुखी थे यार ये लोग, मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे पासवर्ड डाल रहे थे, अभी ज्वाइन हो गई ओम, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी प्लस टू आ रही होगी, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, है ना, तो ये जाएगा EN हमारा हो जाएगा कितना होगा 20 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा 18 प्लस 12 दैट इज 30, यही आंसर है हमारा, क्लियर है ना। नेक्स्ट सॉल्व करो बेटा,